वर्क एथिक के स्पेशल एपिसोड में आज एक ऐसे बंदे की वर्क एथिक है जो रनिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। जिस बंदे के जिद, जुनून, पैशन की पूरी दुनिया दीवानी है। आज वर्क एथिक में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा उसेन बोल्ट की। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कहते हैं ना कि किसी भी बंदे के ओवरनाइट सक्सेस के पीछे उस बंदे की सालों की मेहनत होती है, उस बंदे का हार्ड डेडिकेशन होता है, उस बंदे के सालों की स्ट्रेटजी होती है, तब जाके कोई बंदा अपने ड्रीम को अचीव करता है। लेकिन दुनिया के लोगों को लगता है कि सामने वाले बंदे को सक्सेस विरासत में मिली है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था उसेन बोल्ट के साथ। किसी रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बोल्ट से पूछा था कि आपको सक्सेस तो रातों रात मिल गई, आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। तब बोल्ट ने जवाब दिया था, हाँ बट ये रात बहुत लंबी थी। फ्रेंड, दुनिया के लोग आपकी सक्सेस देखेंगे ना कि आपका हार्ड वर्क। 2004 में यही बंदा था जो 200 मीटर की रेस को भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बंदे के कोच ने भी कह दिया था कि तुम अपना ध्यान 200 मीटर की रेस पर लगाओ, तुम 100 मीटर रेस के लिए बने ही नहीं हो। और इसका मेन रीजन था इस बंदे की हाइट। लेकिन इस बंदे ने भी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। जिन लोगों के सामने इस बंदे को शर्मिंदा होना पड़ा था, एक दिन उन लोगों को इस बंदे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रीजन था उन लोगों का थॉट, जिसे बोल्ट ने पूरी तरह रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। दुनिया के किसी भी बंदे को इस बंदे पर यकीन नहीं था, पर इस बंदे को खुद पर यकीन था कि वो कर पाएगा, और उसने कर दिखाया भी। सक्सेस यूं रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कई बलिदान तो कई कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कई बंदे टूट जाते हैं एक हार से, लेकिन कई बंदे फिर से उठ खड़े होते हैं उसी जज्बात, उसी इंटेंट, उसी जुनून के साथ। क्योंकि लौटने के लिए एक बहाना काफी है, लेकिन जान लगाकर लड़ जाने के लिए एक मकसद काफी है। अपने जीत की वो तबाही ला दो जो जमाने में तुम्हारे सक्सेस की धूम मचा दे। क्योंकि अपना भी एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए, इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। मत करना परवाह उन बंदों की जो देते हैं आज तुम्हें ताना। अरे हार्ड वर्क करो इतना कि खुद ब खुद सिर झुक जाए उन बंदों का जब आए तेरा जमाना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड नेक्स्ट वर्क एथिक आप किस बंदे पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।